बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 जुलाई को सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनके कंधे में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उन्हें पटना स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी तबीयत में सुधार नहीं आने की वजह से अब उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एयरलिफ्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एम्स में भर्ती कराने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 जुलाई को लालू प्रसाद यादव जब राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर गए। बता दें कि उसी दिन राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस भी था, लेकिन लालू यादव की गंभीर हालत को देखते हुए पार्टी ने अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया था। सभी लोगों को प्रणाम। इसके बाद समर्थकों को शांत रखने के लिए और अस्पताल न आने के लिए तेजस्वी यादव ने एक वीडियो भी जारी किया था। इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी लालू जी के चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं और सभी लोग जो है दुआ कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। पिता लालू यादव की लगातार बिगड़ती तबीयत को देखते हुए बेटी रोहिणी आचार्य ने भी भावुक कर देने वाली एक तस्वीर शेयर की है। ये तस्वीर आईसीयू की है, जहां लालू यादव पिछले कुछ दिनों से भर्ती है। पिता लालू यादव की तस्वीर ट्वीट कर पोस्ट करते हुए रोहिणी ने लिखा, माई हीरो, माई बैकबोन पापा, गेट वेल सून। हर बाधाओं से जिसने पाई है मुक्ति, करोड़ों लोगों की दुआएं हैं जिनकी शक्ति। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। सब कुछ सरकार करे, कोई दिक्कत नहीं, सब तो होगा ही, लेकिन जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, यही हम लोगों की कामना और मुझको पूरा भरोसा है। तेजस्वी यादव ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लालू प्रसाद यादव की सेहत अभी स्टेबल है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सिंगापुर भी ले जाया जा सकता है। हालात स्टेबल है, पहले से भी पता था कि सिंगापुर ले जाना है, तो सिंगापुर ले जाना था, 10-15 दिन बाद ले जाना था, लेकिन अब तो फ्रैक्चर हो चुका है और कुछ और बीमारियों का इलाज भी चल रहा है। तो हर कोई नेता ने, चाहे पक्ष के लोग हों, सत्ता दल के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों ने फ़ोन करके हमसे हालचाल जाना। कल प्रधानमंत्री जी का भी फ़ोन आया था और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में, तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी ले गए, सभी मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी हों या प्रियंका गांधी जी हों, उनसे भी हमारी बात हुई है, उन लोगों ने भी चिंता जताई है। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव पहले से ही कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में उनकी एक बार फिर तबीयत खराब होना चिंताजनक है।